चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि सीसीपी के सीनियर्स ने उनको रिमूव कर दिया है एज अ हेड ऑफ पीएलए। वहां पे जाने के बाद पीछे बीजिंग में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ बड़े लीडर्स की मीटिंग हुई जिसमें शायद कुछ डिसीजन लिया गया। तकरीबन 60% फ्लाइट्स जो के चाइना से चलती हैं किसी भी कंट्री के लिए उनको कैंसिल कर दिया गया है। आनंद फानन में वापस बीजिंग पहुंचे और खबरें यह है कि इनको एयरपोर्ट पे ही धर लिया गया, एयरपोर्ट पे सीधे इनको हाउस अरेस्ट में रख लिया गया। इसके साथ साथ पीएलए की जो मिलिट्री यानी चाइना की जो मिलिट्री है उनकी गाड़ियां जो हैं वो भी बीजिंग की तरफ रवाना हो गई हैं। ये तैयारियां किसी दुश्मन फौज या जारहियत करने वाले किसी मुसल्ला गिरोह के खिलाफ नहीं है। आलमी मार्केट में पाकिस्तान के बॉन्ड्स की कीमत में 15% से ज्यादा कमी हो गई है। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के बाद पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कीमत गिरना शुरू हो गई। जो धमकियां हैं, तड़ियां हैं जो सरेआम खुलेआम लगाई जा रही हैं, ये दुनिया में बहुत गलत मैसेज दे रही है। ताइवान चाइना को धमकी दे रहा है, पहले अमेरिका प्रोवोक कर अब ताइवान चिंता को धमकी दे रहा है। साथ पाकिस्तान के लिए ये भी एक फिक्र की बात है कि आखिर अगर ऐसा हो गया है तो पाकिस्तान के साथ जो नए लोग आएंगे चाइना में, जो नई गवर्नमेंट बनेगी, उनके साथ हमारे टर्म्स कैसे होंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बीजिंग में हाउस अरेस्ट की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से आ रही हैं। इसी बीच बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण स्वामी के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर और सनसनी फैला दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई जा रही है उसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। क्या शी जिनपिंग बीजिंग में नजरबंद है? कहा जा रहा है कि जब चीनी राष्ट्रपति हाल ही में समरकंद में थे तब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने उन्हें सेना के अध्यक्ष पद से हटा दिया और इसके बाद उन्हें बीजिंग आने पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि अभी तक वहां के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। शी जिनपिंग के नजरबंद और हाउस अरेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में ट्वीट हो रहे हैं। पाकिस्तान के जिगरी शी जिनपिंग के हाउस अरेस्ट की खबर को सुनकर पाकिस्तान सदमे में है। हर तरफ जी ये न्यूज चल रही है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि सीसीपी के सीनियर्स ने उनको रिमूव कर दिया है एज अ हेड ऑफ पीएलए। और इस वक्त उनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया है और कहा यह जा रहा है कि ये खबर जो है मुसलसल चल रही है। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 60% फ्लाइट्स जो के चाइना से चलती हैं किसी भी कंट्री के लिए उनको कैंसिल कर दिया गया है। और इस वक्त चाइना में सिचुएशन काफी ज्यादा जो है वो कहना चाहिए थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है, काफी ज्यादा इश्यूज बने हुए हैं। और मगर सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि बहुत सी कंट्रीज में ये बात की जा रही थी, बहुत बार हमने अपने पैनलिस्ट वगैरह से भी सुना कि जी अगर शी जिनपिंग को हटा दिया जाए तो चाइना के साथ टर्म्स बेहतर हो सकते हैं। कई कंट्रीज जो है वो शी जिनपिंग की पॉलिसीज के को लेकर काफी जो थे वो उनको नापसंद किया जा रहा था और उनकी पॉलिसीज को कहा जा रहा था कि ये बहुत ज्यादा टफ किस्म की हैं और इसकी वजह से कई कंट्रीज नाराज थी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो खैर ये बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ पीएलए की जो मिलिट्री यानी चाइना की जो मिलिट्री है उनकी गाड़ियां जो हैं वो भी बीजिंग की तरफ रवाना हो गई हैं। और एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं फिर बात करते हैं। ये वीडियो भी जी चाइना की है और बताया यही जा रहा है कि ये सब पीएलए की जो गाड़ियां हैं वो चल पड़ी हैं बीजिंग की तरफ। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पीएलए ने जो है पूरा टेक ओवर कर लिया है और कंट्रोल कर लिया है चाइना को। और अब चाइना जो है एक तरह से मिलिट्री के अंदर है और पीएलए जो है वो फुल कंट्रोल करके वहां पे बैठे हैं और शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट है फिलहाल। और उनको ये भी कहा गया है कि जी वो किसी भी तरह से जो है चाइना छोड़ के जाने की कोशिश ना करें, किसी भी दूसरी कंट्री में जाने की कोशिश ना करें। इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं।
पाकिस्तान के लिए अगर ये खबर सही है कि शी जिनपिंग जो है उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, बल्कि हटा दिया गया है, और एक तरह से मिलिट्री ने जो है वो चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया है, कहा यही जा रहा है कि इस वक्त पीएलए जो है वो चाइना को चला रहा है। खैर, पाकिस्तान के लिए कोई खास बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में तो मिलिट्री अक्सर ही गवर्नमेंट्स को हटाती रहती है, बाहर भगा दिया करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में लटकाते रहते हैं, फांसी भी लटकाया गया है और कई दूसरी तरह की अब सब लोग जानते हैं कि किस तरह से काम होता है। लेकिन फिर भी चाइना के लिए शायद ये कोई नई बात होगी, और लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के लिए ये भी एक फिक्र की बात है कि आखिर अगर ऐसा हो गया है तो पाकिस्तान के साथ जो नए लोग आएंगे चाइना में, जो नई गवर्नमेंट बनेगी, उनके साथ हमारे टर्म्स कैसे होंगे, और क्या वो भी यही कहेंगे कि जी समंदर से गहरी, आसमानों से ऊंची, और पता नहीं पहाड़ों से ऊंची, और क्या क्या, वो सब कुछ चलेगा या नहीं चलेगा। एक बहुत फिक्रमंद कर देने वाली ये न्यूज है। चाइना के प्रेसिडेंट आज सुबह से या कल से ही माने चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में एक खबर इंटरनेट पे दौड़ रही है, सोशल मीडिया पे दौड़ रही है, ट्विटर पे चल रही है कि उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया गया है। अब हाउस अरेस्ट में रख दिया गया, इसमें डिटेल्स बहुत सारी हैं। चाइना से फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, खबर ये भी है कि 60% फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। मैं इसकी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं कर सकता कि 60% फ्लाइट्स कैंसिल हुई है कि नहीं, लोग बता रहे हैं और कुछ अलग सोर्सेज से खबर आ रही है। हांगकांग से, चाइना से जो खबरें बाहर निकल रही हैं उसके हिसाब से शी जिनपिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन गए थे, वो मीटिंग इस बार जहां पे भी हुई थी वहां पर वो 2 साल बाद गए, उससे पहले वो 2 साल बीजिंग से बाहर नहीं निकले थे। और वहां पे जाने के बाद पीछे बीजिंग में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ बड़े लीडर्स की मीटिंग हुई जिसमें शायद कुछ डिसीजन लिया गया। इस मीटिंग की भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें हैं इस मीटिंग के बाद। हो सकता है ये मीटिंग की खबर शी जिनपिंग को लगी हो, तो शी जिनपिंग आनंद फानंद में वापस बीजिंग पहुंचे, और खबरें ये है कि इनको एयरपोर्ट पे ही धर लिया गया, एयरपोर्ट पे सीधे इनको हाउस अरेस्ट में रख लिया गया, अब तक हाउस अरेस्ट में, ऐसा बोला जा रहा है। आज रोहित भाई ये जो हम शो कर रहे हैं ये कोई नॉर्मल शो नहीं है, आज ये कोई मतलब जो हम शो कर रहे हैं वैसा शो नहीं, दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग, ये इतिहास बन रहा, और आज का ये शो हो सकता है हिस्ट्री के आर्काइव्स में जाए। दिस कैन बी अ शो विच कैन लीव इट्स इंप्रेशन ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम्स टिल इटर्निटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शो है। पहले मैं ये बता दूं, देखिए अभी जो भी हम कर रहे हैं एक एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ पॉसिबिलिटीज, अभी वी कैन नॉट कन्फर्म और डिनाई, कंफर्म और डिनाई करना गवर्नमेंट्स का काम होता, हमारा काम नहीं होता। हम एक संभावना, वी कैन टॉक ऑन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग एंड व्हाई दिस कुड हैपन और व्हाई दिस कुड नॉट हैपन, हम उस चीज पे बात करेंगे। तो ये हमारे दर्शकों को सबको जानना जरूरी है, व्हेन वी आर ऑन द सेम पेज, हम उस पेज पे आते हुए हम इस पेज पे बात करेंगे। देखिए रोहित भाई, पिछले शो की बात करें, कल परसों ही हुआ था, मैंने कहा था कि अभी अमेरिका चाइना को प्रोवोक कर रहा है। अमेरिका के 3 मिशन, पहला शी कमजोर होता 25% काम हो गया, शी को हटाते 50% काम हो गया।